एक मैरिड औरत का यंग लड़के से अफेयर होता है, पर उसके हस्बैंड को पता चल जाता है। इसके बाद हमारी मूवी की स्टोरी एक बड़ा सा टर्न लेती है। आज मैं आपको अनफेथफुली 2002 की थ्रिलर रोमांस मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन के लास्ट में मैंने इस मूवी का एनालिसिस और अल्टरनेट एंडिंग भी बताया है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को आप अंत तक देखना। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक फैमिली हम देखते हैं जिसमें मदर, फादर और उनका एक छोटा सा बेटा है। मदर का नाम कॉनी और फादर का नाम एड, ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग दिखती है और सब लोग बिजी है। कॉनी अपने सन के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती है और एड भी काम के लिए जाने के लिए रेडी होता है। इन दोनों का बेटा जिसका नाम है चार्ली, उसका बर्थडे आने वाला है। बर्थडे डेकोरेशन का सामान कॉनी गाँव में जाकर आज लेकर आने वाली है। एक्चुअल में यह फैमिली सबर में रहती है। सबर का मतलब सिटी के बाहर एक बड़ी सी जगह पर अलग अलग घर बिल्ड किए होते हैं। ये विलेज की तरह होता है, जैसे विलेज कोई बोल नहीं सकता। जिन लोगों को सिटी के पोल्यूशन से दूर रहना है वो यहाँ घर बाय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉनी ट्रेन से सिटी में जाती है, सब सामान वगैरह लाती है। आज जो वेदर है ये बहुत ही खराब है, बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। अचानक से तूफान और भी बढ़ जाता है। कॉनी स्ट्रीट से जा रही होती है और उसके सामने क्या है, आगे क्या है, ये कुछ भी उसे दिख नहीं रहा। एक लड़के से वो टकरा जाती है। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है पॉल। पॉल के हाथों में बहुत सारी बुक्स थी जो सब अब गिर चुकी है। कॉनी के हाथ में सब डेकोरेशन का सामान था वो भी यहाँ वहाँ चला गया है। पॉल कॉनी का सब सामान इकट्ठा करता है और कॉनी भी उसके बुक्स उठाने में उसे हेल्प करती है। कॉनी गिर गई थी तो उसके पैर पर चोट आ चुकी है। पॉल उसे कहता है कि मेरा घर ऊपर ही है, तुम आकर बैंडेड वगैरह कर सकती हो। कॉनी को जल्दी से टैक्सी लेकर घर जाना है पर उसे टैक्सी मिल भी नहीं रही। पॉल भी टैक्सी के लिए कोशिश करता है पर कोई भी नहीं रुकता। कॉनी पहले हेसिटेट करती है पर फिर पॉल के जाम को देखकर वो उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। पॉल के अपार्टमेंट में बहुत सारे बुक्स होते हैं। कॉनी उससे पूछती है, इतने सारे बुक्स तुम्हारे पास क्यों है, क्या तुम राइटर हो? पॉल कहता है कि नहीं, मैं बुक डीलर हूँ। कॉनी फिर बाथरूम जाती है और अपने जख्म पर बैंडेड वगैरह लगाती है। बाहर आकर वो पॉल से कहती है, तुम्हारा हाउस बहुत ही ब्यूटीफुल है। पॉल कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का है जो अब पेरिस में है, तो यहाँ वो रह रहा है। पॉल ने कॉनी के लिए टी वगैरह बनाई हुई है पर कॉनी को जल्दी घर जाना है। कॉनी अपने बेटे को कॉल करती है और कहती है कि आज जरा वो लेट हो जाएगी। कॉनी फोन पर ही बात करी है तभी पॉल एक गर्म कपड़ा उसकी वुंड पर लगाता है। कॉनी अब पॉल को गुड बाय कहती है। पॉल उसे कहता है कि जाते जाते अपने लिए एक तुम बुक लेकर जाओ। एक स्पेसिफिक बुक वो कॉनी को देता है और उस बुक में एक पेज उसे पढ़ने के लिए कहता है। इस पेज की ये समरी है कि हमारे पास जो ये मोमेंट है यही हमारी लाइफ है, इसी मोमेंट में हमें सब कुछ जी लेना चाहिए। इसके बाद कॉनी यहाँ से चली जाती है। इस सीन में पॉल और कॉनी के बीच में ऑब्वियस सा एक टेंशन हम देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉनी घर पर है। थोड़ी देर में एड भी घर पर आता है, उसके पैर पर जो चोट लगी है इसे देखता है और इसके बारे में पूछता है। कॉनी उसे सब कुछ कहती है। वो कहती है कि एक अच्छा लड़का था जिसने मुझे बहुत हेल्प की। एड मजाक मजाक में कहता है क्या वो हैंडसम है। उसके बाद उसे कहता है कि उसने तुम्हें इतनी हेल्प की है, उसे एक वाइन की बॉटल वगैरह भेज दो। रात में हम देखते हैं कि एड ने एक नया वीडियो कैमरा बाय किया है। कॉनी के साथ इसे वो ट्राई करता है और रात में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर से अगला दिन आता है। इस फैमिली का जो रूटीन था, यानी कि उनका बेटा चार्ली स्कूल जाता है, एड अपने काम पर जाता है, इसी तरह से चलता है। कॉनी फिर पॉल ने उसे जो बुक दी थी ये ओपन करती है और उसमें से पॉल का नंबर निकलता है। कॉनी फिर सिटी में आती है, स्टेशन पर आकर पॉल को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, मुझे तुम्हें वाइन वगैरह भेजनी है। पॉल कहता है कि तुम हो कहाँ। कॉनी अपनी लोकेशन उसे कहती है तो वो कहता है कि यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी वगैरह बनाऊंगा। कॉनी पॉल के यहाँ पहुँचती है। पॉल उसे कॉफी के लिए पूछता है। कॉनी उससे कहती है कि वो जरा हरी में है, आसपास घर में वो देखती है तो ब्रेल लिपि में लिखी हुई एक बुक वहाँ है, इसे वो फील करती है। पॉल भी उसके पास पहुँच जाता है, उसके बहुत ही वो करीब है। उसका हाथ लेकर इस बुक को फील करने के लिए उसे कहता है। इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़कर उसे सुनाता है। कॉनी को यहाँ होना गलत लगता है तो वहां से वो चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनी एड से मिलने के लिए आती है। एड के लिए वो एक प्रेजेंट भी लाती है। एड अपने काम में बहुत ही बिजी है पर फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालता है और स्वेटर वगैरह पहनता है। रात में दोनों ये जब डिनर करते हैं तो एड को लगता है कॉनी जरा खोई खोई सी है। अगले दिन कॉनी फिर से पॉल से मिलने के लिए आती है। पॉल उसे देखकर सरप्राइज्ड होता है। वो एक सॉन्ग लगाता है और कॉनी से पूछता है क्या हम डांस करें। कॉनी भी इसके लिए मान जाती है। ये दोनों डांस करते हैं और पॉल कहता है तुम्हारी आईज बहुत ही ब्यूटीफुल है, कभी भी इसे बंद कर मत सोया करो। कॉनी रियलाइज करती है कि जो भी वो कर रही है ये गलत है और कहती है कि मिस्टेक थी। वो अब जाने के लिए रेडी होती है। पॉल उसे कहता है कि क्या सही क्या गलत ऐसा कुछ भी नहीं होता, चीजें हम करते हैं और नहीं करते, इसमें ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है।
वो वहां से निकल भी जाती है पर उसका कोट पीछे रह गया था। क्वानी अपना कोट लेने के लिए फिर से वापस आती है तो पॉल उसे जकड़ लेता है। क्वानी रेजिस्ट करती है पर फिर भी ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पॉल के यहाँ से क्वानी जब घर पर आती है तब पूरे रास्ते में उसे बहुत पछता होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एड काम से वापस आते वक्त अपने फ्रेंड से बात करता है। क्वानी ने एड से कहा था कि उसके फ्रेंड से फंड रेजर के लिए मिलने वाली है तो इसके बारे में एड उससे पूछता है। उसका फ्रेंड कहता है इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, शायद मेरी वाइफ के साथ उसने बात की होगी। एड वंडर करता है क्वानी मुझसे झूठ क्यों बोली। एड घर पर आकर अपना अपना काम करने लग जाता है। जब क्वानी उसे पास आती है तो पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। क्वानी कहती है कि ऑफ कोर्स करती हो, यह कैसा सिली क्वेश्चन है। इसके बाद हमें कुछ दिन दिखाए जाते हैं। इन दिनों में क्वानी को पॉल के कॉल आते हैं, एड की इससे ऊपर नजर है। क्वानी अपने फैमिली के साथ जैसे कुछ भी नहीं हुआ है इस तरह से टाइम स्पेंड करती है पर वो पॉल के पास भी जाती रहती है। पॉल के साथ उसका स्ट्रांग अफेयर स्टार्ट हो गया है। एक दिन जब क्वानी पॉल के साथ थी तब पॉल उसके बॉडी पर एक फ्लावर बनाता है। इसके बाद ये दोनों लंच के लिए जाते हैं। क्वानी जरा डर रही है क्योंकि ये दोनों पब्लिक में है। पब्लिक में अगर एड के किसी फ्रेंड ने वगैरह उन्हें देख लिया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसी रेस्टोरेंट में दो फ्रेंड झगड़ रहे हैं कि बिल कौन देगा। पॉल कहता है इस पर हम बेट लगाते हैं, अगर लेफ्ट वाले ने पैसे दिए तो हम यही रुकेंगे, और लेफ्ट वाला ही पैसे देता है। पर हम देखते हैं ये जो दोनों फ्रेंड्स झगड़ रहे थे इसमें से एक फ्रेंड एड का था। जब क्वानी घर आकर बात लेती है तो पॉल ने उसकी बॉडी पर जो फूल बनाया था इसे नोटिस करती है, जल्दी से इसे वो मिटा देती है। तभी हम देखते हैं कि एड वहां आ जाता है। एड पूछता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, और ये दोनों बाथटब में बैठते हैं। एड क्वानी के साथ इंटीमेट होना चाहता है पर क्वानी को अब अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, वहां से बहाना कर निकल जाती है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि एड क्वानी से बात करता है, क्वानी के साथ उसे लंच करना है। क्वानी ने पॉल से मिलने के लिए न्यू ड्रेस बाय की है, ये भी एड यहाँ देख सकता है। क्वानी पॉल से मिलना चाहती है तो सब बहाने बनाती है। क्वानी कहती है कि मुझे रेडी होने के लिए टाइम लगेगा, पर एड रुकने के लिए भी रेडी है। क्वानी को आइडिया आता है, उसे कहती है कि आज मेरी फेशियल की अपॉइंटमेंट है इसलिए उसे जाना पड़ेगा। एड उसे किस प्लेस पर वो जाने वाली है यह भी पूछ लेता है। क्वानी के पास आकर कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें कोई फेशियल की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो चला जाता है। ऑफिस में आकर क्वानी जिस जगह पर फेशियल करने वाली थी उस जगह का नंबर निकालकर उन्हें कॉल करता है। यहाँ उसे पता चलता है क्वानी की कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। उसका शक अब स्ट्रांग हो चुका है। क्वानी पॉल के अपार्टमेंट के बाहर ही है पर उसे उसकी दो फ्रेंड्स मिल जाती है। ये सब बहुत दिनों बाद मिली है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि चलो हम कॉफी के लिए चलते हैं। क्वानी को कुछ काम है ये कहकर वो बहाना बनाना चाहती है पर उसकी फ्रेंड उसकी नहीं मानती। ये तीनों फिर रेस्टोरेंट में आती है। क्वानी वहां से उठती है और इसी रेस्टोरेंट से पॉल को कॉल लगाती है। पॉल को कहती है कि तुम बिलीव नहीं करोगे पर तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने जो रेस्टोरेंट है वही मैं हूँ। क्वानी फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती है तो वहां पॉल आ जाता है। क्वानी एक्सक्यूज लेकर रेस्ट रूम में जाती है और यहाँ पर क्वानी और पॉल ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। क्वानी की फ्रेंड्स ने भी पॉल को देखा था। जब क्वानी फिर से टेबल पर आती है तो वे दोनों फ्रेंड्स बात कर रही है ये पॉल कितना ब्यूटीफुल है। इसमें से एक फ्रेंड कहती है कि अगर उसे चांस मिला तो पॉल के साथ वो अफेयर कर सकती है। दूसरी फ्रेंड कहती है ऐसा बोलना भी गलत है, ये अफेयर्स वगैरह इनका अंत कभी भी सही नहीं होता, कोई ना कोई तो हर्ट हो ही जाता है और इससे भी बस अपने हस्बैंड को पता चल सकता है। उनकी ये फ्रेंड एक्सपीरियंस से बोल रही है। क्वानी भी इस पर सोचती है और उसे भी जरा डर लगता है। उसके फ्रेंड से मिलने के बाद फिर से पॉल के पास आती है। पॉल से वो कहती है कि हम जो कर रहे हैं अगर हमने यही स्टॉप कर दिया तो कोई भी हर्ट नहीं होगा। पॉल कहता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगा। क्वानी फिर कहती है कि शायद हमें चलने देना चाहिए, अगर हम एक दूसरे से बोर हो गए तो भी ये एंड ही हो जाएगा। वो कहती है कि हमेशा मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, जब भी मैं तुम्हें मिल नहीं सकती तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड अपने फ्रेंड से बात करता है। ये वही फ्रेंड है जिसने क्वानी और पॉल को एक साथ रेस्टोरेंट में देखा था। एड का फ्रेंड अलग अलग कंपनी से बात कर रहा था, एड की कंपनी छोड़कर अलग जॉब वो लेने वाला है। एड को ये पता चलता है तो इस पर वो बहुत गुस्सा है। वो कहता है कि तुमने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। एड पूरे वर्ल्ड में उसे कोई चीट करे इसे वो बहुत हेट करता है। वो फिर उसके फ्रेंड को फायर कर देता है। एड का फ्रेंड फायर होकर गुस्से गुस्से में उसे कहकर जाता है कि ये सब बातें मुझे क्यों तुम कह रहे हो, तुम्हारी फैमिली की तरफ तुम देखो। एड फिर हमें दिखता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है अपनी वाइफ पर नजर रखने के लिए। एड क्वानी से झूठ कहता है कि वो 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाला है। क्वानी फिर से पॉल के साथ बहुत मजे करती है पर इस बार एड का डिटेक्टिव इन दोनों के सब फोटोज वगैरह ले लेता है। यही दिनों में क्वानी जब पॉल के साथ है तो बहुत ही लेट हो जाती है। आज उसे अपने सन चार्ली को स्कूल से पिकअप करना था और वो कर नहीं पाई। उसे फिर रियलाइज होता है किस तरह की वो मदर है। वो बहुत रोती है।
एड जब अपने डिटेक्टिव से मिलता है तो डिटेक्टिव सब फोटोज कॉनी और पॉल की उसे दे देता है। एक दूसरे के साथ सो रहे थे उसकी भी फोटो इसमें है। कॉनी सिटी में अपनी ग्रोसरीज लेने के लिए आती है, तभी रास्ते पर वो पॉल को एक दूसरी औरत के साथ देखता है। ये बहुत ही गुस्सा हो जाती है और पॉल को उस लड़की के साथ ही कन्फ्रंट करती है। पॉल उसे अपने अपार्टमेंट तक लेकर आता है। पॉल उसका गुस्सा करने के लिए डायरेक्टली उसे जकड़ लेता है। कॉनी बहुत रेजिस्ट करती है पर फिर भी एक दूसरे के साथ ही इंटीमेट हो जाते हैं। एड को पता है कि पॉल रहता कहाँ है तो डायरेक्टली उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम है तो एड डायरेक्टली अंदर नहीं घुस सकता। एक आदमी बिल्डिंग से बाहर आता है तो डोर ओपन है तो एड भी इस डोर से अंदर घुस जाता है। डोर नॉक कर कर कहता है कि क्या तुम पॉल हो। एड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, घर में आता है और सब कुछ चीजें देखता है। पॉल उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। एड पॉल से पूछता है कि तुम मेरी वाइफ से कैसे मिले थे। पॉल उसे बताता है। फिर एड रियलाइज करता है कि कॉनी को जिस दिन चोट आई थी वही वो दिन था जब वो पॉल से मिली थी। उसे ने कॉनी को कहा था कि वो पॉल को एक वाइन की बोतल देकर आए। एड पॉल से कहता है कि हमें एक बेटा भी है, क्या कॉनी ने तुम्हें उसके बारे में बताया था। पॉल कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। एड कहता है कि हम सबर्ब्स में रहते हैं। पॉल कहता है कि सबर्ब्स में रहना कॉनी को पसंद नहीं है। एड को बहुत ही शौक लगता है। इनकी बातों बातों में उसे पता चलता है कि पॉल ने और कॉनी ने एड के बारे में भी बात की है। एड अब बहुत एम्बैरेस्ड है। इसी रूम में एड एक गिफ्ट देखता है। ये जो गिफ्ट था ये एड ने कॉनी को दिया था। कॉनी ने यही गिफ्ट पॉल को दे दिया है। एड ये गिफ्ट देखकर बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाता है। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा आने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। बहुत ही गुस्सा हो चुका है। ये गिफ्ट लेता है और डायरेक्टली पॉल के सर में दे मारता है। सर पर दो चार बार लगने की वजह से पॉल वही मर जाता है। एड को थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि उसने किया क्या है। अब इस मर्डर को वो कवर अप करना चाहता है। इस फ्लैट से अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो सब कुछ मिटाता है। पॉल के फोन पर कॉनी का वॉइस मैसेज आता है जो एड सुनता है। इसमें कॉनी उसे कहती है कि जो भी वो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अब कॉनी फिर से पॉल से मिलने के लिए नहीं आने वाली। ये वॉइस मैसेज सुनकर एड को जरा अच्छा लगता है। इसके बाद पॉल के यहाँ एड सब कुछ साफ करता है, कारपेट में उसे रैप कर अपनी गाड़ी में रखता है। एड के बेटे का स्कूल में आज परफॉर्मेंस है तो लेट हो चुका है तो वही गाड़ी लेकर वो स्कूल में भी पहुंच जाता है। आज वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। उसने अभी अभी जो किया है उसी के बारे में सोचता रहता है। कॉनी उसे पूछती है क्या हुआ है पर उसे वो कुछ भी नहीं बताता। इनके बेटे का प्रोग्राम खत्म होता है। पार्किंग में जब ये गाड़ी निकालते हैं तब इनकी गाड़ी को कोई टकरा देता है। हमें पता है कि गाड़ी के डिक्की में पॉल की लाश है तो एड इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। जिसने गाड़ी ठोकी थी वो कहता है कि तुम्हारी डिक्की खुल चुकी है। एड डिक्की को बंद करने की कोशिश करता है पर ये डिक्की बंद नहीं हो रही। बहुत ट्राई करता है और लास्ट में बंद हो जाती है। बहुत ही क्लोज इनकाउंटर से ये बच जाता है। रात में फिर एड कचरा डालने की जगह पर आता है और इस बॉडी को डिस्पोज कर देता है। पॉल ने एड से कहा था कि कॉनी को सबम में रहना अच्छा नहीं लगता तो एड वंडर करता है। अगली सुबह कॉनी से पूछ भी लेता है क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, अगर तुम चाहो तो हम कहीं और मूव हो सकते हैं। कॉनी इस पर मना कर देती है। वो कहती है कि ये क्या तुम बात कर रहे हो। एक दो दिन गुजर जाते हैं और हमें दिखता है कॉनी के घर पर पुलिस आते हैं। पुलिस कॉनी को बताते हैं कि पॉल मिसिंग है। वो कॉनी के पास है क्योंकि पॉल के अपार्टमेंट में कॉनी का नंबर और नाम उसने लिखा हुआ था। कॉनी कहती है कि वो बुक डीलर था, उससे मैंने बुक बाय की होगी इसी वजह से मेरा नाम नंबर वहां होगा। कॉनी का बेटा चार्ली पुलिस को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। जब कॉनी एड और चार्ली बाहर आकर लंच कर रहे हैं तो चार्ली कहता है कि आज पुलिस आए थे। एड जरा डरता है और कॉनी से पूछता है कि पुलिस क्यों आए थे। कॉनी कहती है कि ऐसे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे इसीलिए सबसे वो पूछ रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉल की गाड़ी कचरे में किसी को मिल जाती है, इसी वजह से अब पुलिस को पता है कि पॉल मर चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस डायरेक्टली कॉनी और एड के पास आते हैं। उन्होंने और भी इन्वेस्टिगेशन की थी। कॉनी से फिर से वो सवाल पूछते हैं कि क्या तुम पॉल को सही से जानती थी। कॉनी कहती है कि सिर्फ मैं एक बार उसे मिली थी पर मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ मिली होगी। पुलिस और भी उसे प्रेशराइज करते हैं तो कॉनी कहती है कि एक फंड रेजर में उसे मिली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता है कि कॉनी ने एक बार पॉल के अपार्टमेंट के सामने अपनी गाड़ी पार्क की थी और इलीगली पार्क करने की वजह से उसे एक टिकट भी मिला था। एड भी यहाँ है और वो समझ जाता है कॉनी का झूठ पकड़ा जा चुका है। पुलिस को कहता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें जो भी सब बताना था वो सब कुछ बता दिया है, अब हम ज्यादा तुमसे बात नहीं करना चाहते। एड के यहाँ से जाने के बाद कॉनी डर कर बहुत रोती है कि एड के शर्ट में कॉनी को उसकी और पॉल की फोटोज मिल जाती है। ये वही फोटोज है जो डिरेक्टो ने एड को दी थी। कॉनी को पता चल चुका है कि एड को उन दोनों के बारे में पता था। घर पर जब वो आती है तब ये फ्रेंड के साथ डिनर कर रहे हैं।
एड हमेशा कॉनी को स्नो ग्लास के गिफ्ट देता है। कॉनी ने पॉल को जो गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट एड फिर से अपने घर में ला चुका है। एड के फ्रेंड ये गिफ्ट देख रहे होते हैं, तभी कॉनी को पता चल जाता है कि उसने पॉल को जो गिफ्ट दिया था वो एड फिर से वापस ला चुका है। इसका मतलब है एड पॉल से मिलने के लिए गया था। वो रियलाइज करती है कि पॉल को एड ने ही मारा होगा। रात में डर कर उससे पूछती है कि तुमने क्या किया है। एड भड़क जाता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। तुम बार बार मुझसे झूठ बोलती रहे, तुमने कभी भी इस फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं पड़ेगा? मुझे फर्स्ट दिन से शक हो गया था, मुझे उसे नहीं मारना था, मुझे तो तुम्हें मारना चाहिए था। पॉनी ये सब सुनकर बहुत रोती है। ये दोनों झगड़ रहे थे तब उनके बेटे को भी कुछ आवाजें आती है। इनका बेटा डर कर उठ जाता है, तब कॉनी उसके पास जाती है और कहती है कि सब कुछ सही है, कुछ भी हो जाए पर हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एड अपने बेटे को पियानो लेसन दे रहा है। कॉनी फिर से उसी गिफ्ट को देख रही है। इस गिफ्ट के नीचे एड ने एक नोट लिखी थी, ये कॉनी ने पहले कभी पढ़ी नहीं थी। इस नोट में लिखा था कि मेरे हर दिन का हाईलाइट सिर्फ तुम ही हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। कॉनी को बहुत पछता होता है। उसके और पॉल के जो भी सब फोटोज थे ये वो जला देती है। वो सोचती है कि जिस दिन वो पॉल से मिली थी अगर उस दिन वो रुकती और टैक्सी में चली जाती तो सब कुछ ठीक होता, पर अब पछतावा करने से कुछ भी बदलने नहीं वाला। एड उसे माफ कर देता है, उसके पास आकर बैठता है। कॉनी उससे पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। एड बोलता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। कॉनी कहती है ऐसा मत करो, उन्हें कुछ भी अब तक पता नहीं है, हम इस सब से निकल सकते हैं। एड कहता है कि अगर उन्हें पता भी नहीं चला पर हमेशा हमारी माइंड में बात रहेगी। पॉल को मारने के बाद वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है। उसने जो किया है वो रियलाइज कर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉनी, एड और उनका बेटा ये सब फंड रेजर के लिए आते हैं। जब वो घर वापस आ रहे हैं तब कॉनी और एड एक दूसरे से बात करते हैं। कॉनी एड से कहती है हम सब कुछ बेच सकते हैं और अलग कंट्री में जा सकते हैं, वहां पर बीच के पास कुछ बिजनेस वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, अच्छी फैमिली की तरह वो फिर से रह सकते हैं। इसी सीन में हम देखते हैं कि जहां पर उनकी गाड़ी है उसके पास पुलिस स्टेशन है और यही मूवी एंड हो जाती है। डायरेक्टर इस मूवी को बीच में ही बंद कर देता है, यानी कि हम व्यूअर्स को हमें डिसाइड करना है। इसमें दो एंडिंग्स हो सकती है। इसमें पहली वाली में एड अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। सेकंड एंडिंग में जैसा कॉनी ने कहा था अलग कंट्री में वो जा सकते हैं। इस मूवी की डीवीडीज रिलीज हुई थी जिसमें अल्टरनेट एंडिंग थी। इस अल्टरनेट एंडिंग में एड अपने आप को पुलिस में दे देता है और कॉनी अकेले रह जाती है। कॉनी ने एड को चीट किया और उसके बाद भी वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती है। एड बहुत ही इथिकल कैरेक्टर था, उसे गलत चीजें थोड़ी भी नहीं चलती थी। उसका फ्रेंड अलग कंपनीज में जॉब ढूंढ रहा है यही उसे पता चला और उसको भी उसने फायर कर दिया था। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस था और उसे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं चलता था। और अब उसके खुद की वाइफ ने चीट किया था ये वो बेयर नहीं कर पाया। वो जब पॉल के पास गया तो उसका गुस्सा कंट्रोल करने की उसने कोशिश की, पर जब उसने गिफ्ट देखा ये गिफ्ट उसके लिए बहुत ही पर्सनल था और गुस्से में आकर उसने पॉल को मार डाला। उसने पॉल को मार तो डाला है पर वो बहुत ही गिल्टी महसूस करता है। इस गिल्ट के साथ वो सही से जी नहीं पाएगा। कॉनी एड से कहती है कि वो नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, पर उसने एड पर चीट किया है और वह डिजर्व नहीं करती, इसलिए एड अपने आप को पुलिस में दे देता है। तो इसी तरह से इस मूवी की डार्क एंडिंग हो जाती है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।